अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 14 जुलाई से होगी खुली सुनवाई। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 14 जुलाई से खुली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि वकीलों के आंदोलन को देखते हुए खुली सुनवाई का फैसला लिया गया है। वर्चुअल सुनवाई से वकीलों को हो रही थी परेशानी। एक दो दिन में जारी होगी गाइडलाइंस। एसोसिएशन के महासचिव प्रभा शंकर मिश्र ने इसकी जानकारी दी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि लगातार वकीलों द्वारा इस पर नाराजगी जाहिर की जा रही थी, इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 14 जुलाई से अब खुली सुनवाई होगी। ये बड़ा फैसला लिया गया वकीलों के आंदोलन को देखते हुए, खुली सुनवाई का फैसला लिया गया है। वर्चुअल सुनवाई से वकीलों को परेशानी हो रही थी। रामानुज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव इस खबर पर। रामानुज, अगर बात करें खुली सुनवाई की, तो अब ये अब शुरुआत इसकी होगी। वकील जो है वो लगातार इसको लेकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे और वो बता रहे थे कि किस तरीके से उन्हें परेशानी होती है वर्चुअल सुनवाई से। तो इसको लेकर सबसे पहले वकीलों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है और आगे जनता को और खुद वकीलों को कैसे इससे राहत मिलेगी? रामानुज, देखिए मोनिका, अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जिस तरीके से हाई कोर्ट बंद चल रहे थे और वहां पर वर्चुअली जो है वो तारीखें लगाई जा रही थी, वर्चुअली सुनवाई हो रही थी, इससे कहीं ना कहीं वकील जो है वो खासा परेशान हो रहे थे और साफ कह रहे थे कि जहां नेटवर्क की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कहीं और वेब कैम की व्यवस्था नहीं हो पा रही, कई दिक्कतें थी वकीलों के साथ, जिसके चलते वो है लगातार जो है आंदोलन करे हुए थे, लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और जो बात की जाए कि चीफ जस्टिस से भी मिले, मुलाकात करी उन्होंने और साफ कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो व्यवस्थाएं सुचारू नहीं है, क्योंकि अगर पेयर नहीं हो पाएंगे सामने तो जाहिर सी बात है कि कई केसेस ऐसे जो पेंडिंग पड़े रह जाएंगे और उनकी जो हेयरिंग है वो नहीं हो पा रही थी क्योंकि नेटवर्क की समस्या है, वर्चुअली किसी पास व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी बातें जो है इन एक समूह ने रखी जो है चीफ जस्टिस जो जस्टिस हाई कोर्ट के हैं उनके आगे रखी गई और उन्होंने इस बात को माना भी और उसके बाद 14 जुलाई से जो है इसका निर्णय लिया गया कि 14 जुलाई से जो है। चलिए, शुक्रिया आपका रामानुज तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।